हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आज जो करेंगे क्या करेंगे, एमसीक्यू। ठीक है, तो कल वाला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो अच्छे से देख लीजिएगा। कल मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को, ये सारा वीडियो जो है, कल हमने कोयले के प्रकार पढ़े थे, सारा कुछ पढ़ा था इसके अंदर में, तो ये वाला अगर वीडियो नहीं देखा हो तो पहले पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से जितने भी क्वेश्चन है सब सारे यहीं से रिलेटेड है, कोयले के ग्रेड से, छत्तीसगढ़ में किस टाइप का कोयला पाया जाता है, कोयले के प्रकार, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है कल हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ था। ठीक, आज जो है इसके क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो आज इसके सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो थ्योरी वाला, तो पहले थ्योरी वाला वीडियो जो है देख लीजिएगा, तभी आप लोगों से अच्छे से बनेगा, और मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा अगर थ्योरी वाला पार्ट देखा हुआ है तो। ठीक है, उससे और एक बात और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अभी तक अगर भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। अब यहां पर देखिए, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो पढ़ा नहीं है तो आप लिग्नाइट के बारे में नहीं जान पाओगे कि लिग्नाइट है क्या, तब तो आप उसको बताओगे कि उत्पादक क्या है। तो लिग्नाइट क्या है, कोयले का एक प्रकार है। क्या है लिग्नाइट, क्या है, कोयले का एक प्रकार है। कल मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में देखिए यहां पर क्या पढ़ाया था, पीट पढ़ाया था, लिग्नाइट पढ़ाया था, बिटुमिनस पढ़ाया था और एंथ्रेसाइट पढ़ाया था। ये कोयले के प्रकार हैं। पहला क्या है, पीट है, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस, चौथा क्या है, एंथ्रेसाइट। और इसके परसेंटेज भी बता दी कि कार्बन के परसेंटेज के रूप में इनको बांटा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें क्या आएगा आंसर, लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो ये है तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। मुंबई हाई किसे कहते हैं, तो मुंबई हाई किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को मुंबई हाई कहा जाता है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम से संबंधित है। उच्च तेल का, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहां स्थित है, तो देखिए मुंबई उच्च तेल जो है वो स्थित है अरब सागर का महाद्वीपी सेल्फ में। कहां पर है, अरब सागर का महाद्वीपी सेल्फ में। ठीक है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। कल अब मैंने आपको फिर से बताया कि कोयले के प्रकार आप पढ़ो, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है, एंथ्रेसाइट, तो अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, 80% से ज्यादा या 85% से ज्यादा पाया जाता है किसमें, एंथ्रेसाइट में। किसमें पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में। आपको याद रखना है, पहला पीट है, दूसरा क्या है, लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा कोयला जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज जो है सबसे अधिक होता है। ठीक, ये सारा जब आप पढ़ोगे थ्योरी वाला पार्ट ना, तो बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, एमसीक्यू है, कई बार एग्जामों में पूछा गया एमसीक्यू, इसलिए मैंने यहां पर लिया है, तो ये असम डिगबोई में। ठीक है, याद रखिएगा। छठा प्रश्न है कि कोयले का शुद्धतम रूप क्या है। आप देखिए, शुद्धतम रूप का मतलब क्या है, कि जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा होगा वो होगा शुद्धतम रूप। तो इन सारे कोयलों में कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट। ठीक है, देखिए आप लोगों से भी बनना चालू हो जाएगा धीरे धीरे करके, एक बार अगर आप इसको पढ़ लोगे तो। कोल गैस निम्न गैस का मिश्रण है, कोल गैस जो है वो निम्न गैसों का मिश्रण है, क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया, कोल गैस निम्न गैसों का मिश्रण है, तो कोल गैस जो है वो हाइड्रोजन, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों का मिश्रण है, मतलब कि उपयुक्त सभी जो है इसके अंदर में आएगा। भूरे रंग का मुलायम कोयला है, कल आपको अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भूरे रंग का मुलायम कोयला कौन सा है, तो लिग्नाइट जो है भूरे रंग का कोयला है। ठीक है, कल अगर आप लोगों ने थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे अच्छे से बनेगा। नौवां प्रश्न की तरफ चलते हैं, पेट्रोलियम मोम निम्न परभज के अंदर आते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम मोम निम्न प्रभाज के अंदर आते हैं, ये प्रभाज है। ठीक है, प्रभाज है, ये प्रभाज, कल मैंने आपको पढ़ाया था ना प्रभाजी, ठीक है, प्रभाजी आसवन, ये उसी से क्वेश्चन पूछा गया कि पेट्रोलियम मोम निम्न पर निम्न प्रभाज के अंदर आते हैं। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा हमने क्या लिया था, उपकरण लिया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, यहां पर जो है कच्चा तेल यहां से अंदर डाला था इस उपकरण के अंदर में, यहां क्या किया था हमने, कच्चा तेल, फिर उसको टेम्परेचर दिया था, तो यहां से क्या निकला था, पेट्रोलियम निकला था। ठीक है, क्या निकला था, केरोसिन निकला था, क्या निकला था, डीजल निकला था, प्रभाजी आसवन होके क्या क्या निकले थे, ये सब निकला हुआ था। तो वही यहां पर पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम मोम निम्न प्रभाजन के अंतर्गत आता है, तो कौन से प्रभाजन के अंतर्गत आएगा, मोम जो है, तो मोम हमने यहां पर पढ़ा था वो भारी तेल के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, भारी तेल के अंतर्गत आता है मोम। छत्तीसगढ़ में कोयला मिलता है,
कहाँ कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में कोयला, कोरबा में मिलता है मालूम है सभी को, रायगढ़ में मिलता है ये भी मालूम है, सरगुजा में मिलता है ये भी मालूम है, कोरिया में मिलता है ये भी मालूम है, उपयुक्त तो सभी जगह में छत्तीसगढ़ में कोयला जो है वो पाया जाता है। गेवरा, दीपका एवं कुसकुंडा की खदानों में किस ग्रेड का कोयला मिलता है, कल ही मैंने ये ग्रेड वाला कोयला आपको बताया था। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, गेवरा, दीपका एवं कुसकुंडा की खदानों में कौन सा कोयला मिलता है। आप जब आप थ्योरी यहां पर पढ़ोगे तो आपको यहां पर देखिए कोयले के ग्रेड, ये जो है ग्रेड होते हैं G1 से लेकर G17 तक, ठीक है, और ये ग्रेड कहां कहां पाए जाते हैं वो भी मैंने यहां पर देखिए आपको बताया था। यहां अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया में कोयले की भूमिगत खुली खदानें हैं। कोरबे जिले में रजगामार, बगदेवा, सूराकछार, माकी मुंगरा की खदानों में G4, G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा गेवरा, दीपका, कुसमुंडा खदानों में कौन सा पाया जाता है, तो G11 पाया जाता है। तो यहां पर क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा यहां पर आंसर, देखिए यहां पर आंसर क्या आएगा, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा के अंदर में तो G11, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारा क्वेश्चन। काला हीरे किसे कहते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए काला हीरा किसको कहते हैं। प्लास्टिक को पहचान कोड में बांटा गया है, कितने कोड में बांटा गया है, कल ये भी हमने पढ़ा है कितने कोड में बांटा गया है प्लास्टिक को। देखिए यहां पर अब फिर से मैं थ्योरी आपको दिखाता हूं कि हमने जब थ्योरी पढ़ा था तो हमने उसको प्लास्टिक को बांटा था, ठीक है, यानी कोडिंग किया था, इसीलिए बोलता हूं कि सारा कुछ जो है वो पढ़ा करो। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आएगा आपका आंसर, यहां पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो कितना आएगा प्लास्टिक को कोड पहचानने में बांटा गया है, तो 7। कोरबा जिले में रजगामार, बगदेवा, सूराकछार एवं बाकी मुंगरे खदानों में कौन सा कोयला मिलता है, कौन से ग्रेड का कोयला मिलता है, तो कौन से ग्रेड का आएगा यहां पर, तो यहां पर आएगा G4 और G5, कौन सा आएगा G4 G5। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या मिलता है, तो G4 मिलता है, G5 मिलता है और G11 मिलता है, यही आपको याद रखना है। पीटी से निर्मित वस्तुओं का पहचान कोड क्या है, कल भी मैंने ये आपको अच्छे से थ्योरी में बताया था। तो देखिए पीटी से निर्मित क्या है, पानी बोतल, शीतल पेय बोतल, जैम जार, तो ये क्या है पीटी से निर्मित, कौन से कोड में आता है। देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर में, पीटी से निर्मित, तो आपको यहां पर क्या बताना है, क्या आएगा आंसर यहां पर पीटी से निर्मित में, 1, ठीक है। कोयले का निर्माण निम्नलिखित अवशेषों से होता है, कौन कौन से अवशेषों से कोयले का निर्माण होता है, वनस्पतियों से, जंतुओं से, वनस्पतियों जंतुओं दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो किससे होता है, दोनों से होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है, ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों तक दबा हुआ होकर कोयले का निर्माण करता है। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए क्या आवश्यक होता है, उच्च ताप, उच्च दाब, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है आवश्यक होता है, याद रखिएगा। पीवीसी, कल हमने पढ़ा था पीवीसी से निर्मित वस्तुओं का कोड क्या है, फिर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, देखिए पीवीसी में क्या आएगा, ये रहा पीवीसी, पीवीसी का कोड क्या है, 3 है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3। इसलिए बोलता हूं जो थ्योरी का पार्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, तभी आप सक्सेसफुल होगे एग्जाम के अंदर में। मेरे भरोसे बैठ जाओगे कि मैं पीडीएफ दूंगा आपको, तभी आप लोग पढ़ोगे, तभी आप लोग नोट्स बनाओगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अपने ऊपर सब कुछ जो है अपने ऊपर लेके चलो, मेरे भरोसे मत बैठो, आपको जहां जहां से भी मिलता है, मैंने कभी आप लोगों को मना नहीं किया कि आप कोचिंग ना जाओ, ठीक है, आप कोचिंग जाओ, आप YouTube में जितने यूट्यूबर्स यानी जितने लोग पढ़ा रहे हैं सभी के सारे के वीडियो देखो, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा है वो आप लोगों के फायदे के लिए ही पढ़ा रहा है, आप लोगों को क्या करना है, बेनिफिट लेना है, जितने भी वीडियोस मिलते हैं आप सब देख डालो, आपको कुछ नहीं जाता है देखने में, देखो नोट्स बनाओ, जिसके अच्छे लगते हैं नोट्स वो नोट्स तैयार करो, आप लोग दिन भर ये पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ा रहा करो, ठीक है, दिन भर मैसेज मत किया करो कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला, बेसिक स्ट्रांग करो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, जितने भी मिल रहे हैं आपको, जहां पर भी मिल रहा है आपको नोट्स, ठीक है, जो भी वीडियो मिल रहा है यूट्यूब के अंदर में, या आप कोचिंग जा रहे हो कोचिंग से लो, सर से पूछो, ठीक है, जहां जहां से आपका बेनिफिट हो वहां से आप क्या करो उसका फायदा उठाओ, ठीक है, किसी एक के भरोसे ना बैठो, या मेरे भरोसे ना बैठो, या और किसी के भरोसे ना बैठो, अपना काम आप करते चलो, ठीक है। मैं एक दिन वीडियो नहीं बना पाया तो आप मेरे ऊपर चढ़ जाते हो कि आपने एक वीडियो नहीं बनाया, आप इतने लेट बना रहे हो, मेरे भरोसे मत बैठो, हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपकी, ठीक है, ना कि आपका कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, ना कि कुछ करा रहे हैं, ठीक, तो आप मेरे भरोसे मत बैठो, सिर्फ अपनी पढ़ाई करते चलो, अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और भी जितने भी यूट्यूब पे वीडियो मिलते हैं सारे देख डालो, ठीक है, और सारे से नोट्स बनाने की कोशिश करो, अच्छे नोट्स बनाओ ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 1900 क्वेश्चन, पेट्रोलियम का अर्थ क्या है, कल भी मैंने आपको बताया था, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान, लियम का मतलब होता है ऑयल, तो क्या हो जाएगा, चट्टानों से प्राप्त ऑयल, ठीक है, क्या हो जाएगा, चट्टानों से प्राप्त ऑयल, ठीक, तेल।
कार्बनीकरण क्या है, तो कार्बनीकरण भी हमने कल पढ़ा है। कार्बनीकरण क्या होता है, तो मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तित को कार्बनीकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ये सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे, ये आप सिर्फ को समझाने के लिए था कि एमसीक्यू इस टाइप से पूछे जाते हैं। चैप्टर आप तैयार करो, एमसीक्यू आपसे आराम से बन जाएगा। ये जब आप चैप्टर तैयार कर लोगे ना, ये पूरा पढ़ लोगे एक बार, तो आपसे सारे एमसीक्यू जो है वो आसानी से बनने लग जाएंगे। तो एक बार इस चैप्टर को जो है थ्योरी वाला पार्ट वाले वीडियो को 2 से 4 बार देखो, नोट्स बना लो, आपका जो है चैप्टर तैयार हो जाएगा। यहां से कोई भी प्रश्न फिर पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बना लोगे। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही था। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।